नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, डियर रिसर्च स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फेडरलिज्म, संघवाद। दिस इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेम ऑफ द पेपर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। द पेपर कोड इज PBSC 604. This web lecture is structured and scheduled for Purnia University online education platform. Today, we will take up federalism as a very core, basic and important aspect of political system and political process. What I am going to talk about is हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बातें कर लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में कि ओरिजिन ऑफ द टर्म फेडरलिज्म, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, डिफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, उसको कैसे परिभाषित करेंगे संघवाद को, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद का मूल कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल सिस्टम, एकात्मकवाद और संघवाद सरकार में क्या क्या फर्क है, फिर हम लोग जानेंगे कि कॉन्फेडरेशन क्या है, हु इन्वेंटेड दिस टर्म फेडरलिज्म, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके फीचर्स क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फिर हम लोग करेंगे अबाउट इंडियन फेडरल सिस्टम, खास करके प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की संविधान में संघवाद के बारे में क्या मुख्य बातें दी हुई है, और उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेडरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट ने या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फेडरलिज्म पर क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, इन बातों का की चर्चा हम लोग आज के इस वेब लेक्चर कार्यक्रम में करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो शब्द है ओरिजिन ऑफ द टर्म, from where this term federalism originates. The term federalism or confederation, इन दोनों शब्द की उत्पत्ति का जो रूट वर्ड है, लैटिन वर्ड, वो है फॉइडस, FOEDUS. ये एक लैटिन शब्द है और जिसका मतलब ट्रीटी या पैक्ट के सेंस में होता है, संधि या समझौता। तो ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से किसे इसकी उत्पत्ति हुई है फॉइडस से, और इसका मतलब संधि या पैक्ट किसके बीच में, राज्य और संघ के, एक संघ बनाएंगे या राज्य राज्यों के बीच में आपस, इस बात को हम लोग और डिटेल में एलिबोरेट करेंगे। हम लोग जानना ये चाहते हैं कि जो फेडरलिज्म है या संघवाद है, ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि पूरे दुनिया की जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की के शक्तियों, दो प्रकार की व्यवस्थाओं में विभाजित है। नंबर वन संघात्मक और अनदर वन इज यूनिटरी, एकात्मक। तो संघात्मक और एकात्मक मतलब सरकारें प्रायः मैं कह रहा हूं, क्योंकि किसी किसी देश में ज्यादा अधिक मात्रा में संघात्मक शक्तियां हैं, कहीं केंद्रात्मक अधिक है, कहीं एकात्मकता की मात्रा कम पाई जाती है, कहीं दोनों का मिश्रण सिस्टम है, जैसा कि भारत में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पूरे दुनिया की विश्व व्यवस्था को हम लोग या तो संघात्मक व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं या केंद्रात्मक या एकात्मक व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है, अच्छा इसमें इस बीच में हम लोग ये टर्म को थोड़ा सा और डिफाइन कर लें कि एकात्मक व्यवस्था क्या है। एकात्मक व्यवस्था वैसी व्यवस्था है जिसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास नहीं थे, हो सकता है राज्यों के पास भी कुछ शक्तियां हो, लेकिन राज्यों की वो शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होती, यूनिट्स के पास या प्रोविंस के पास, जिसको राज्य हम कहते हैं आम भूचाल में, उनके पास जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा दी हुई होती है, ना कि संविधान के द्वारा। ये केंद्रीकरण की मूल प्रवृत्ति है, वहां पर सारे निर्णय केंद्र, बड़े निर्णय भी और
बहुत छोटे निर्णयों को छोड़कर के प्राय सभी निर्णय केंद्र के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे हम चाइना का उदाहरण देखते हैं। लेकिन प्रोविंस नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, प्रोविंस हो भी सकता है, प्रांत हो भी सकते हैं, राज्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि डिफिनेशन क्या है इसका, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की परिभाषा यदि हम लोगों को करने के लिए बताएगा तो कैसे करें। तो फेडरलिज्म इज द मिक्स्ड मोड ऑफ गवर्नमेंट कंबाइनिंग अ सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट विथ रीजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम। केंद्र, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच में एक प्रकार का समझौता है या एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है सरकार के बीच का। हम लोग आते हैं अब व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद का मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है। फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंटल यूनिट्स, मतलब कि शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में, या कहें हम लोग कि संघ, केंद्र भी कहते हैं वहां पर, संघात्मक संघ भी कहते हैं, फेडरल भी कहते हैं और सेंट्रल भी कहते हैं। तो फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का एक विभाजन किया हुआ होता है। आप देख सकते हैं इस बात को अमेरिका में, जिसको कि यूएसए इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। फिर आप कनाडा में देख सकते हैं, फिर आप इंडिया में देख सकते हैं। हम लोग इसको और एक एक करके इलेबोरेट करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, यदि हम यूनिटरी सिस्टम से इसको थोड़ा सा तुलना करें एक लाइन में, इन कॉन्ट्रास्ट विद अ यूनिटरी गवर्नमेंट इन विच सेंट्रल अथॉरिटी होल्ड्स द पावर, जो एकात्म व्यवस्था है उसमें सारी शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है, या जो शक्तियां प्रोविंस को दिए जाते हैं या यूनिट्स को दिए जाते हैं वो केंद्र के द्वारा दिए जाते हैं, संविधान के द्वारा नहीं दिए जाते। हम लोग एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट इज दैट a unitary government puts its power in one central government, while federal system governing power is divided into federal or local governing body। मतलब कि शक्तियां जो है एकात्म व्यवस्था में, unitary system में शक्तियां केंद्र के पास नहीं होती है, और संघात्म व्यवस्था में, federal system में शक्तियां केंद्र और local government या राज्य के बीच में विभाजित होती है। जो एकात्मक व्यवस्था है, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वेरी लिटिल पावर एग्जिस्ट आउटसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बाहर बाहर बहुत अधिकार वहां पर होते नहीं है। और जबकि इसके विपरीत संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास तो शक्तियां होती ही है, राज्यों के पास या प्रोविंस के पास, या आप कह सकते हैं यूनिट्स के पास, उनके पास भी शक्तियां होती है। एक टेंडेंसी वर्ल्ड वाइड ये भी देखी गई है कि जहां पर भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एकात्मक व्यवस्था है, वो प्रायः तानाशाही को धारण कर लेती है। हम लोग चीन का उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक गुण नहीं है एकात्मक व्यवस्था का, यूनिटरी सिस्टम का। लेकिन हम लोग चाइना का एग्जाम्पल से हमें ये लगता है कि कई बार वो तानाशाही व्यवस्था धारण कर लेते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल और सामान्य रूप से जो एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी देख लेते हैं। तो बारबाडोस में एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्पेन, जाम्बिया, इटली, आजकल बड़ा नाम चल रहा है इटली का, आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सब यूनिटरी सिस्टम है। अब फेडरल सिस्टम के एग्जांपल हमने पहले भी किए कि अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा एंड इंडिया, ये तीन जो है वो हम लोग इस पे जिक्र करेंगे। हम लोगों का मुख्य आज जो टॉपिक है उसमें भारत के जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग जी करेंगे, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो हम लोग संघात्मक और एकात्मक के बीच में हमने एक डिस्टिंक्शन कर लिया। एक शब्द आता है कॉन्फेडरेशन। ये शब्द पॉलिटिकल साइंस के आम रूप से दिए हुए पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तक में इसकी उपलब्धता नहीं होती है कि कॉन्फेडरेशन के बारे में। कॉन्फेडरेशन क्या है?
फेडरेशन से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फेडरेशन एंड अ फेडरेशन इज दैट मेंबरशिप ऑफ द मेंबर स्टेट इन कॉन्फेडरेशन इज वॉलंटरी व्हाइल द मेंबरशिप इन द फेडरेशन इज नॉट। कि मतलब जो कॉन्फेडरेशन होता है उसमें जो यूनिट्स होते हैं या प्रोविंस होते हैं या राज्य होते हैं उनकी भागीदारी वहां पर वॉलंटरी होती है, वो अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करते। लेकिन कहां पर यूनिटरी व्यवस्था में संप्रभुता का त्याग फेडरेशन जो है उसमें नहीं किया जाता है। अब देखिए क्या है इसमें कि कॉन्फेडरेशन और लेकिन जो फेडरेशन की व्यवस्था है इसमें मेंबरशिप कंपल्सरी है और इसमें संप्रभुता नाम की कोई चीज उस यूनिट्स को प्रोविंस को रह नहीं जाती। एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्फेडरेशन स्विट्जरलैंड ऑफिशियली नोन एज द स्विस कॉन्फेडरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न कंट्री दैट ट्रेडिशनली रेफर्स टू इटसेल्फ एज ए कॉन्फेडरेशन। स्विट्जरलैंड अपने को क्लेम करता है ऐसा कि हम कॉन्फेडरेशन है। कॉन्फेडरेशन इज अ सिस्टम इन विच state agrees to form a national government but maintain their sovereignty। confederation में जो units हैं के राज्य हैं या देश है वो एक confederation बनाने पर सहमति अपना व्यक्त करता है लेकिन संप्रभुता का त्याग नहीं करता है। The USA was a confederation। ये बात USA के बारे में बहुत भ्रम है कि federation है confederation है। इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वाइवाज में पूछे जाते हैं तो ये कि अमेरिका जो है उसका व्यवस्था कैसा है कॉन्फेडरेशन के बारे में। तो क्या है कि द यूएसए वॉज ए कॉन्फेडरेशन बिफोर इट बिकेम अ फेडरेशन विद द रेटिफिकेशन ऑफ करेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन 1788 की 1788 से पूर्व जब मतलब अमेरिका का संविधान बना और रूप धारण किया अपना किया तो उससे पहले वो एक कॉन्फेडरेशन के रूप में था लेकिन बाद में वो फेडरेशन के रूप में धारण कर लिया। वर्तमान समय में अमेरिका एक ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, एक मॉडल सिस्टम है अमेरिका का जिसको कि दुनिया के सभी देश ग्रहण करना चाहते हैं। अब है कि हु इन्वेंटेड फेडरलिज्म। अब चूंकि हम लोग जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस में मैंने एक बात आपने भी ध्यान दिया होगा मैंने भी देखा भारतीय पर्सपेक्टिव वहां पर जरूर इंडियन पर्सपेक्टिव कोई भी टॉपिक हो उसका इंडियन पर्सपेक्टिव और जो कि सही तरीका है कि आपको भारतीय जो पर्सपेक्टिव है वो भी टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए भले कम पता हो लेकिन आपको उसकी धारणा पता होनी चाहिए। तो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि जो फेडरलिज्म शब्द है भले वो हम लोग इस्तेमाल ना करते होंगे उस सब तरह से लेकिन भारत की जो प्राचीन जो पॉलिटिकल सिस्टम रही है या प्राचीन जो हमारी व्यवस्था रही है उसमें आप देखते होंगे कई बार आता होगा बहुत सारे आप देखते होंगे कि चक्रवर्ती सम्राट होते थे या महाराजा धीराज कहते थे। इसको आप यदि एक सेंट्रल स्ट्रक्चर मान लें या इसको आप एक केंद्रीय सत्ता मान लें तो उनके नीचे या उनके साथ या उनके अधीन बहुत सारे राजा होते थे छोटे छोटे और बड़े भी और उसको आप प्रोविंस जो भी अपने क्षेत्र में वो उनके पास शक्तियां थी लेकिन जो महाराजा धीराज हुआ करता था या जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था उनके सब उनके नीचे रहते थे। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि भारतीय पर्सपेक्टिव में हमारे लिए संघवाद जो है वो शब्द भले हो सकता है कि नया हो लेकिन हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। हमारा ये पुराना हम इसको हमारी पुरानी व्यवस्थाएं ऐसी चलती रही है। अब है कि इस लेकिन वर्तमान जो पॉलिटिकल सिस्टम है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम तीन आदमी का नाम विशेष रूप से इसमें जुड़ा हुआ होता है जिसमें कभी कभार जिसको फादर ऑफ संघ फेडरलिज्म भी कह देते हैं इसको संघवाद का पिता। कभी कभी पूछता है कि किसने इसको इन्वेंट किया या किसने इस सिस्टम पर वकालत की। तो तीन नाम प्रमुख है एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन दूसरा जेम्स मेडिसन और एक अमेरिका का जो प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इन तीन आदमी का नाम इसमें प्रमुख रूप से लिया जाता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म संघवाद के या संघात्मक व्यवस्था में कौन कौन से उनके प्रमुख गुण हैं। नंबर वन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
जहां संघात्मक व्यवस्था है या संघवादी व्यवस्था है वहां के संविधान लिखे हुए होने चाहिए या लिखे हुए होते हैं या लिखे हुए पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ऐसा? क्योंकि मैंने आपको कहा कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया हुआ होता है, लेकिन ये विभाजन का काम केंद्र सरकार नहीं करती। इसको कौन करता है? इसको करता है संविधान। तो हमारा संविधान यदि लिखित है तो वो विभाजन स्पष्ट दिखता है और उससे टकराव की संभावनाएं राज्य और केंद्र के बीच में कम होती है। इसीलिए ये एक प्री रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में हो तो अच्छा है और होना चाहिए और होता भी है। सेकेंड पॉइंट, डिविजन ऑफ पावर, किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। वर्णित कहाँ है? संविधान में वर्णित है। क्यों? बता दिया आपको, टकराव की संभावना नहीं रहती है क्योंकि पता होता है कि राज्यों को कौन सा काम करना है, केंद्र सरकार को कौन सा काम करना है। अब भारत के संविधान में आप देखिएगा कि संविधान का जो सातवां अनुसूची है इनमें शक्तियों के विभाजन की भी चर्चा है। अब आप संविधान में एक दो बातें और चाहे तो ढूंढ सकते हैं जिसका जिक्र हम आगे भी करेंगे कि थ्री लिस्ट पाए जाते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तीन प्रकार की सूचियां हैं, मतलब तीन प्रकार के काम है, मतलब तीन प्रकार की लिस्ट है और किनको क्या काम करना है वो पता है। जैसे केंद्र सरकार का काम जो है यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, इसमें अमूमन 97 टॉपिक हैं, 97 आइटम्स हैं। अब ये आपको कभी 100 दिखाएगा, कभी 97 दिखाएगा, मैंने कभी 99 भी दिखता है। तो मैंने एक आदर्श ले लिया है, आदर्श स्थिति में कि 97 ठीक है, अब उसकी काउंटिंग करने की उतनी आवश्यकता नहीं। तो यूनियन लिस्ट में आइटम कितने हैं? 97, मतलब केंद्र सरकार 97 विषयों पर कानून बना सकती है। देखिए, और वो जितने महत्वपूर्ण विषय है, जैसे देखिए विदेश नीति कौन बनाता है उस पर कानून? सरकार, जो दूसरे देश से। बैंकिंग, मुद्रा, डिफेंस, ये सब केंद्रीय सूची में है। दूसरी सूची होती है स्टेट लिस्ट, 66 आइटम है। स्टेट लिस्ट क्या है कि राज्य सरकार इस पर कानून बनाता है। तीसरी सूची है जिसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब कहते हैं जिसमें केंद्र भी बना सकती है कानून और राज्य भी बना सकती है, लेकिन जब दोनों के बीच में मतभेद हो तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो एक कंकरेंट लिस्ट। अब आप सोचेंगे कभी कभी कि ये जो आइटम दिए हुए हैं 97, 66 और 47 रेस्पेक्टिवली, इन आइटम्स के अलावा यदि कोई नया काम आ गया, जैसे एक लेमन की भाषा में हम कहते हैं जब संविधान बना तो किसी को पता नहीं था कि ये COVID-19 जो है ये पेंडेमिक दुनिया। आप देख रहे हैं कि सारा निर्णय कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। तो यदि कोई कार्य इन लिस्ट में नहीं है तो उस कार्य को कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं रेसिडुअल पावर। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी जो बची हुई शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां किनके पास रहेगा? केंद्र के पास रहेगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो संघात्मक व्यवस्था की तीसरी विशेषता है, वो है कि फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा कहते हैं कि यदि जुडिशियरी, खास करके सुप्रीम कोर्ट, यदि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा तो राज्य है, संघ एक केंद्रीय सरकार है और कई सारे राज्य की सरकार है, तो राज्य की सरकारों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, टकराव हुआ, विवाद हुआ, तो उस पर निर्णय कौन देगा? उस पर निर्णय देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में भी फेडरल कोर्ट है, भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका अपील हम लोग कहीं नहीं कर सकते। तो जब स्वतंत्रता से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, स्वतंत्रता से पहले प्रिवी काउंसिल में हम लोग इंग्लैंड में अपील करते थे, लंदन में अपील करते थे, कर सकते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी जो एपेक्स कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, संविधान में इसकी गारंटी दी गई है, ताकि राज्यों और केंद्र के
बीच में या राज्यों राज्यों के बीच में आपस में यदि कोई मनमुटाव हो, टकराव हो, कोई विचार हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सके और संविधान का इंटरप्रिटेशन कर सके। केंद्र सरकार, हम लोगों ने तीन अभी तक पॉइंट देखा, जो संघात्मक व्यवस्था का था, एक कि संविधान लिखित होना चाहिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा डिविजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में, और तीसरा हमने पढ़ा अभी कि जुडिशियरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फ्री और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि राज्यों के बीच में कोई यदि विवाद हो तो उस पर निर्णय देने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, उसकी संवैधानिकता के बात पर या किसके क्या अधिकार हैं उसको करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की जाए। एक चौथा जो इम्पोर्टेंट फीचर है, एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है संघवाद की, दैट इज बाय कैमरल लेजिस्लेचर। देखिए ये व्यवस्था कैसी है कि द्वितीय सदन होता है वहां, भारत में द्वितीय सदन कौन सा है, द्वितीय सदन होता है, और वो जो द्वितीय सदन होता है वो प्रतिनिधित्व किसका करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, वो करता है राज्यों का। इसीलिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों से, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो वहां से वोट के जरिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होती है वहां पर राज्यसभा में उनको उतना ही सीट मिलता है, और ये सब हो रहा है 1978 के चुनाव के आधार, सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर अभी तक। अब जब 31 के बाद चुनाव होगा तो 31 में जो जनगणना होगा उसके बाद जो पहला चुनाव होगा उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के सीटों पर निर्धारण किया। अब क्या है कि लेकिन आप देखिएगा कि अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था है, अमेरिका में भी एक सेकेंड चैम्बर है जिसको सीनेट कहते हैं, लेकिन सीनेट में हर राज्य को प्रतिनिधित्व है, वहां पर राज्यों की संख्या 50 है और सीनेट में मेंबर कितने हैं, 50 स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 1, लेकिन वहां पर राज्यों की संख्या फिक्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इस राज्य की जनसंख्या कितनी है वहां पर हर राज्य को 2 सीटें दी गई। भारत में राज्यों जनसंख्या के आधार पर यह निर्णय किया जाता है और अमेरिका में उसकी राज्यों को रिप्रेजेंटेशन 2 सीट के रूप में मिला हुआ है। अब ये सेकेंड चैम्बर की आवश्यकता क्यों है, सेकेंड चैम्बर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि लोकसभा या लोकसभा यदि किसी कानून को पास करती है जल्दबाजी में या बिना डिस्कशन के या किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में आकर के, तो राज्यसभा उन कानूनों को, उन बातों को, उन संवैधानिक संशोधन को, उन बिल पे, उन विधेयक पर अपना मंतव्य रख सकती है और वो राजनीतिक नहीं भी हो सकता है, वो राजनीतिक हो भी सकता है, राजनीतिक नहीं हो सकता है, आमतौर पर तो राजनीतिक ही होता है, लेकिन ऐसा माना गया है कि जो सेकंड चैम्बर है वो चूंकि जनसंख्या में भी छोटा है, 250 के मैक्सिमम उसकी 252 उसकी मैक्सिमम है, 250 ये रहता है, तो उसकी संख्या भी कम है, और चूंकि जो 552 है मैक्सिमम तो और 545 है वर्तमान में लोकसभा में, तो वहां पर लोगों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर उस स्तर का डिबेट हो नहीं पाता। तो इसीलिए जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें ये प्रयास किया गया है कि राज्यों के प्रतिनिधित्व के तौर पर जो सेकेंड चैम्बर है उसमें मेंबर का चुनाव हो या मेंबर की संख्या जाए और कानून बनाने में उनकी भी हिस्सेदारी या संशोधन करने में संविधान उसको स्वीकार की गई। एक बात और इम्पोर्टेंट है, एक में जो फीचर्स है संघवाद का, फेडरलिज्म का, वो ये है ड्यूअल गवर्नमेंट होता है। व्हाट डज इट मीन ड्यूअल गवर्नमेंट होता है, इसका मतलब है कि एक सरकार केंद्र सरकार होती है और दूसरा राज्य स्तर पर सरकार होती है। आप देखेंगे केंद्र स्तर पर भी सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है। ये बात और है कि पंचायत स्तर पर भी सरकार है, लेकिन हम लोगों को संघवाद में दो मुख्य बातों से मतलब है, दो मुख्य स्तर के सरकार से मतलब है, एक केंद्र स्तर की सरकार से, एक राज्य स्तर की सरकार से। केंद्र स्तर की सरकार में हेड ऑफ स्टेट कौन है, राष्ट्रपति, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्रधानमंत्री। मतलब सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री, और राज्य का मुखिया कौन है या राज्य का प्रधान कौन है, वो है राष्ट्रपति। उसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंगली आप देख सकते हैं कि राज्य में भी ऐसी व्यवस्था है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है होता है और जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो
राज्यपाल होता है। हम लोग एक इम्पोर्टेंट इसका और फीचर है जो कि भारत में नहीं है लेकिन अमेरिका में है, जो हमने कहा कि अमेरिका का जो व्यवस्था, अमेरिका की जो व्यवस्था है संघात्मक, वो आदर्श व्यवस्था के रूप में आजकल हम लोग मानते हैं पूरे दुनिया में, तो वो है दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पूरे भारत में नागरिकता कैसी है, एकाधिक नागरिकता है पूरे भारत के में। हम लोग क्या कहते हैं, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक हैं। अमेरिका में क्या है कि मान लीजिए कि आप फिलाडेल्फिया स्टेट के रहने वाले हैं तो आप क्या है कि एक नागरिकता आपको फिलाडेल्फिया की मिली हुई है और दूसरी नागरिकता आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिली हुई है। मान लीजिए आप वहां पर वॉशिंगटन डीसी में है, उस स्टेट में है, या न्यूयॉर्क में है, या नेवाडा में है, जहां पर भी जिस भी राज्य में है, जिस भी उन राज्यों की भी आपको नागरिकता है और एक नागरिकता आपको यूनाइटेड स्टेट्स की, यह है दोहरी नागरिकता जो कि भारत में पाई नहीं जाती है। तो ये हम लोगों ने डिफरेंस भी कर लिया क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है लेकिन भारत में क्यों नहीं पाई जाती। एक प्रश्न और आता है बच्चों के मन में कि लेकिन जम्मू कश्मीर में तो एक नागरिकता वहां की थी, तो अब आपको जान के खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि अब वहां पर ऐसी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अब पूरे भारत के सभी नागरिकों के पास एक ही प्रकार की नागरिकता है, ठीक है, इसीलिए भारत में कभी नागरिकता है और अमेरिका में दो ही नागरिकता है। इस चैप्टर को हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वो है कि हमारा फेडरल सिस्टम कैसा। हमने तो देख लिया कि फेडरल सिस्टम कैसा होता है, आदर्श फेडरल सिस्टम क्या है, उसका गुण कैसा होता है, तो हम लोग देखेंगे कि भारत का फेडरल सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत का फेडरल सिस्टम है उसको क्वाजी फेडरल सिस्टम कहते हैं, अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहते हैं, कहा जाता है। आपको इसके जब आपको आपको कभी इंटरव्यू में या परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न कि भारत क्यों है अर्धसंघात्मक, तो आपको उसके पीछे लॉजिक्स करने पड़ते हैं, तर्क देने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या तर्क दे सकते हैं कि भारत की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, कि संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, कैसा है? अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि डिविजन ऑफ पावर। तो डिविजन ऑफ पावर, भारत में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन क्या हुआ है, हमने तीनों लिस्ट का जिक्र किया, केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, ये वहां पर वर्णित है। तो शक्तियों का विभाजन है, लेकिन आप एक बात आप जानिए कि एक तो महत्वपूर्ण सारे कार्य किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, और दूसरा कि यदि संघात यदि कंकरेंट लिस्ट के किसी कानून पर, किसी विषय पर, किसी आइटम पर कानून केंद्र भी बनाता है और राज्य भी बनाता है और उसमें कोई मतभेद उत्पन्न नहीं है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। जैसे शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है और यदि ऐसा कभी भी मौका आए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में यदि कानून को लेकर के किसी बात पर विवाद हो तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी के, हमने बात अभी की कि जो रेसिडुअल पावर है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसके पास है, वो सब केंद्र सरकार के पास है, कि जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो सब शक्तियां केंद्र सरकार को दी हुई है। एक बात और इसमें आपको जानना जरूरी है कि केंद्र क्यों केंद्र के पक्ष में शक्ति का विभाजन है, कि स्टेट लिस्ट पे कानून कौन बना सकता है, स्टेट बना सकता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो अपने बहुमत से राष्ट्रीय महत्व के घोषित करके लोकसभा भारत के संसद को इसका अधिकार दे सकती है कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाए। आर्टिकल 49 हम लोगों ने पढ़ा, ये आपने भी पढ़ा होगा। तो भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, मतलब केंद्र अधिक शक्तिशाली। अब हम लोग आएंगे उसके अगले पॉइंट पे, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसका अगला स्वरूप हम लोग देखते हैं कि ओनली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल इंडिया, नो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट, राज्यों के पास कोई अपना संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर में था तो अब उसको भी समाप्त कर दिया गया है, तो पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है, मतलब पूरे भारत में एक ही प्रकार के संविधान से पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। हमने बात अभी की कि जो नागरिकता है वो
एक ही नागरिकता, पूरे भारत के लिए एक नागरिकता, तो इसमें भी कोई कहीं पर कोई इसमें संघात्मक स्वरूप के मॉडल का जो है उसका अनुसरण नहीं किया गया है। अगला पॉइंट है भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें जानने वाले कि हमारे यहाँ जुडिशियरी कैसी है। तो जुडिशियरी हमारे यहाँ यूनिफाइड जुडिशियरी है, मुंसिफ कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ। तो हमारी संघात्मक व्यवस्था का ये एक अपना अलग रूप है। अब आप देखिए कि हमने क्या कहा कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया हुआ होता है, लेकिन जो राज्यों की सीमा में परिवर्तन है, चेंज इन बाउंड्री ऑफ द स्टेट, राज्यों की सीमा में कौन परिवर्तन कर सकता है, तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार या राज्यों के नाम में भी परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। तो राज्यों के पास उस मामले में शक्तियां कम है, ये हमारे जो संघात्मक व्यवस्था है उसका एक और गुण है। और इसका ये मतलब है कि केंद्र सरकार को का इम्पोर्टेंस ज्यादा है कि कुछ राज्यों की बाउंड्री, जैसे मान लीजिए कि एक राज्य को दो भाग में बांट दिया, बिहार था, बिहार को दो अलग अलग भागों में बांटा, एक झारखंड बना एक बिहार बना, लेकिन यदि एक और नया स्टेट कहीं बनना चाहे या बनता है तो क्या ऐसा होता हो सकता है कि थोड़ा सा झारखंड का ले लिया जाए, थोड़ा बिहार का ले लिया जाए, थोड़ी टेरिटरी उत्तर प्रदेश की ले ली जाए और एक नए राज्य की का गठन किया जाए। इसे आप हरित प्रदेश की बात अभी सुनते हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के सीमाओं को लेकर के एक नया राज्य बनाने की मांग हो सकती है। तो जो राज्य का निर्माण है वो एक राज्य को ही दो भागों में या अलग अलग हिस्सों में बांट करके किया जा सकता है। अभी आप जम्मू कश्मीर का भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग कर दिया गया, तो ये शक्तियां केंद्र के पास है, इसलिए भी हम जानते हैं कि राज्य के पास वहां शक्तियों का अभाव है। अब है कि राज्यपाल की नियुक्ति, और ये बड़ा पॉलिटिकल साइंस में यदि बहुत विवादास्पद कुछ मुद्दा है, उस मुद्दा में उन मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे कर होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है केंद्र सरकार, ठीक है। तो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल राज्यों में काम करता है और वहां के हेड ऑफ स्टेट, राज्यों के हेड ऑफ स्टेट राज्यपाल होते हैं। हालांकि आप जब सरकारिया कमीशन को पढ़ेंगे तो उसमें ये इस बात का जिक्र है कि मुख्यमंत्री के का परामर्श लिया जाना चाहिए प्रायर कंसल्टेशन उस राज्य के मुख्यमंत्री से की जानी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के समय में, लेकिन भारत में कैसी अभी तक कोई ऐसी स्वस्थ परंपरा का निर्माण हो नहीं पाया है। तीसरा बात है केंद्र राज्य के बीच में की आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक एड में क्या है कि आर्थिक सहायता के लिए राज्य प्रायः केंद्र पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि जो आमदनी का स्रोत है, मुख्य स्रोत, वो केंद्र के पास अधिक है। तो राज्य चाहे तो अपने राशि की मांग करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में अभी एक आपदा आई, उस आपदा में राज्य जो है वहां की राज्य सरकार ने पैसा का केंद्र से डिमांड किया और उनका जायज हक भी है। तो केंद्र के पास चूंकि आर्थिक शक्ति अधिक है इस वजह से, और राज्य इस मामले में कमजोर है, ये भी हमारे यहाँ के संघात्मक व्यवस्था का है। भारत के संविधान में आप सबने पढ़ा ही होगा, बहुत पॉलिटिकल साइंस का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। और जब भी देश में आर्म रेबिलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण होता है तो उस समय में पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया जा सकता है, अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल कर सकती है और आपातकाल की घोषणा हो सकता है। राज्यों में यदि संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कोलैप्स हो जाए और राज्यपाल इसका रिपोर्ट दे या केंद्र सरकार स्वतः इसका संज्ञान ले, तो आर्टिकल 356 का उपयोग किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। बहुत बार लगाया गया है इस पे, और पॉलिटिकल साइंस में के जो संविधान को जानने वाले हैं वो जानते हैं कि इस बात पे बहुत बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है और बहुत बहुत रिसर्च इस पे हुआ भी है।
तीसरी कि यदि देश की वित्तीय क्षमता खराब हो जाए, वित्तीय अनियमितता हो जाए, बड़ी आर्थिक वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग वहां पर केंद्र सरकार कर सकती है, जिसमें कि राज्यों के पास कोई बहुत पावर रह नहीं जाता। तो ये आपातकालीन एक जो प्रावधान है भारत के संविधान में, इस बात का भी जिक्र हमारे संघात्मक व्यवस्था के लिए जरूरी है जानना। एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात रहा है केंद्र और राज्य के बीच में आर्टिकल 257 के को लेकर के, जहां पर कि सीआरपीएफ को भेजा जाता है केंद्र से, उसमें राज्यों की शिकायत होती है कि हमसे बिना पूछे भेजा गया, या कई बार उसको वापस करने की मांग करते हैं। आर्टिकल 257 भी इस संदर्भ में हम लोग डिफेंस करेंगे। हमने कहा कि इंडियन फेडरल सिस्टम है, क्वासी फेडरल है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे शक्तियों का विभाजन किया हुआ होता है, पूरे देश के लिए कैसे एक ही संविधान है, कैसे एकाधिकारी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, पूरे देश के लिए एकीकृत न्याय व्यवस्था है, राज्य के नाम में और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है, तो केंद्र कर सकता है, ये भी हमने देखा। गवर्नर की नियुक्ति, इस बारे में देखा कि केंद्र सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती है। हमने ये भी देखा कि जो इकोनॉमिक एड है, आर्थिक सहायता है, इसके लिए भी राज्यों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर हमने देखा कि संकट काल में यदि इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो उस समय में अनुच्छेद 352, 356 और 360 का प्रयोग केंद्र सरकार करती है, और राज्यों के पास उन समयों में उस दौरान कोई बहुत शक्तियां रह नहीं जाती। फिर हमने देखा आर्टिकल 257 पे विवाद है कैसे, फिर राज्य अपने राज्य, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जानने लायक है कि स्टेट कैन नॉट इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आप देखिए कि हमारे संघात्मक व्यवस्था में राज्य, जिसको आप राज्य कह रहे हैं, प्रोविंस यूनिट्स, वो भारत के संविधान में संशोधन को इनिशिएट नहीं कर सकता। दे कैन नॉट इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि भारत के संविधान में कुछ भी संशोधन होना है, एक कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज होना है, तो वो या तो लोकसभा में पेश होगा वो विधेयक, या राज्यसभा में, स्टेट असेंबली में वो विधेयक पेश नहीं हो सकता। लेकिन भारत के संविधान में जो तीन प्रकार से संशोधन मुख्य रूप से होते हैं, एक जो संसद साधारण बहुमत से करती है, दूसरा जो संसद विशेष बहुमत से करती है, और तीसरा कम से कम आधे अपने विशेष बहुमत से संसद और कम से कम आधे राज्यों की सहमति, रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट और नॉट लेस देन हाफ ऑफ स्टेट, तो इस उनकी सहमति चाहिए। हम लोग अभी जीएसटी के बारे में देखें कि जीएसटी में जो है वो राज्यों की सहमति आवश्यक है, तो केंद्र सरकार इस मामले में शक्तिशाली है कि जो संविधान में संशोधन है वो केंद्र सरकार ही शुरुआत कर सकती है, और केंद्र सरकार का ही मुख्य हिस्सा रहता है संविधान के संशोधन के लिए। एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 148, जिसमें कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में चर्चा है, इसको कैग कहते हैं आम बोलचाल भाषा में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो राज्यों के लेखा का परीक्षक भी कैग ही करता है, और कैग केंद्र सरकार की एजेंसी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की एजेंसी क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, और आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान किया हुआ है। फिर पूरे भारत के लिए चुनाव कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का भी चुनाव कराती है, एमपी का भी चुनाव कराती है, मतलब लोकसभा का भी चुनाव कराती है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव कराती है, एमएलए का भी चुनाव कराती है, एमएलसी का भी चुनाव कराती है, एक्सेप्ट पंचायती राज का चुनाव, जिसके लिए कि पंचायती राज एक्ट में अपना अलग प्रावधान किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो क्वासी फेडरल है, और जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास अधिक है, राज्य सरकार के पास उस अपेक्षा में शक्तियां नहीं है, या है तो कम है, और केंद्र सरकार जब भी चाहे तो सुपरसीड कर सकती है राज्य सरकार के शक्तियों का। हम लोग अब पढ़ेंगे इस बारे में कि संविधान में हमने मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी कि जो 7th शेड्यूल है इसमें आर्टिकल 246 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों लिस्ट संविधान में है, ये भी आपको जब भी मौका लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि फेडरलिज्म इन इंडिया रिफर्स टू रिलेशन बिटवीन
सेंटर एंड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंधों के बारे में कहती है कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा है। अब एक बात और जो कि बहुत मिसिंग है पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट से, या आप कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट हम हमारे बच्चे पढ़ते हैं या हमारे रिसर्च स्कॉलर पढ़ते हैं, उसमें जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है फेडरलिज्म, भारत के संविधान, भारत के संघात्मक व्यवस्था का, उसका बहुत वर्णन नहीं किया हुआ मिलता है। तो हम लोग आज एक बहुत ब्रीफ में, बहुत ज्यादा अभी समय नहीं है इस पर और डिस्कशन करने का, जब भी मौका लगेगा तो हम लोग उस पर कर सकते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, फेडरलिज्म इन इंडिया क्या है, तो हम लोग करते हैं यहाँ से कि इन 1973 सम जज इन द फुल बेंच केस ऑफ केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, इसमें कुछ जज ने अपने राय व्यक्त किया, कंसीडर्ड फेडरलिज्म एज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि संविधान का यह मूल ढांचा है कौन सा, जो हमारा संघवाद है, इसमें इसके बारे में केशवानंद भारती बनाम जो केरला स्टेट है इसके बारे में जो जजेज हैं उसमें से जज, कुछ जजों ने कहा 1973 में कि ये हमारा बेसिक फीचर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। एक और केस देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब मोर देन 5 जज का बेंच, कम से कम पांच जज का बेंच, तो अभी तक जो सबसे बड़ा बेंच बना है वो केशवानंद भारती का बना है, आने वाले समय में और बड़ा बेंच बन सकता है क्योंकि अब तो संख्या भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बढ़ गई है। तो एक जो केस है वो है कि इन गंगाराम मूलचंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट रिट्रेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल इन फॉर्म एंड मार्क्ड बाय द ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, कि भारत का जो संविधान है वो इस केस में कहा गया, कौन सा केस, गंगाराम मूलचंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें कहा कि भारत, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को दोहराया कि भारत का जो संविधान है या भारत की जो सत्ता है या सत्ता संरचना है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, और जैसे कि कहता है ये क्या कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, दूसरा डिवीजन ऑफ पावर है, फिर कहता है कि इंडिपेंडेंस जुडिशियरी है इंडिया में, इस कारण से आप कह सकते हैं कि ये जो है भारत का संविधान जो है वो संघात्मक है। तो हम लोगों को जुडिशियरी के नजर से भी सुप्रीम, आप जब रिसर्च करने जाएंगे या जब आगे पढ़ेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे, तो आप इस नजर से भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है विभिन्न केस को लेकर, एक बड़ा लंबा चौड़ा सा, इसमें आपको 63 से ही 67 से ही इस पर कई सारे केसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट में जाएंगे। दो तीन शब्द है, शब्दावली है फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, आप सुनते होंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां केंद्र और राज्य स्मूथली अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है और मिलजुल कर काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में वहां तनाव नहीं है। 60 के दशक तक में जब तक कि केंद्र और राज्य में एक ही प्रकार की सरकार थी वहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आप देख सकते हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई या वर्तमान समय में भी आप देखिए जहां पर कि राज्य की सरकारें अलग दलों की है, दल की है या दलों की है, गठबंधन की है, और केंद्र में अलग सरकार होती है, तो उनके बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कई बार आपको देखने नहीं मिलता होगा, तो आपको चिंता होती होगी। तो पॉलिटिकल साइंस के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको आप उस नजर से, उस चश्मे से आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो जब केंद्र और राज्य के बीच में जब एक ही पार्टियां हैं तब ज्यादा, बहुत ज्यादा मतभेद आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा एक और ट्रेंड है, चला है खास करके जो कोलिशन की सरकार बनी जबकि सिंगल पार्टी किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती रही थी पिछले 20-30 सालों में, तो एक पॉलिटिक्स का एक संघात्मक व्यवस्था का एक अलग नमूना चला, जिसको कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी संघवाद, केंद्र और राज्य के बीच में सौदेबाजी हो रही है,
कि जैसे आर्थिक मदद चाहिए उस पर सौदेबाजी हो रही है, या राज्यपाल की नियुक्ति पर कोई बातें हो रही है, या केंद्र में समर्थन देने पर बातें हो रही है, सरकार बनाने पर बात हो रही है, सरकार गिराने पर बात हो रही है, तो ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म ये भी भारत में एक आप पिछले कुछ वर्षों में आप आसानी से देख सकते हैं। एक तीसरा है जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया खासतौर पर, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, कि क्यों ना केंद्र और राज्य और राज्य राज्य आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा करें और मिलजुल करके आगे हमें देश का विकास कर, हम लोग देश का विकास करें। ये तीन मुख्य शब्द है जो कि संघात्मक से जुड़ा हुआ है। आप उसके बाद इसके बाद आप यदि और इस पर डिस्कशन करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो संघवाद व्यवस्था है, जो संघात्मक व्यवस्था है, उसका निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है, राज्य में भी बहुत कमजोर राज्य की यूनिट है, उन लोगों ने मिलकर के एक संघात्मक व्यवस्था का निर्माण किया, या जो शक्तियां हैं उसका विभाजन आसानी से राजनीतिक शक्तियों का विभाजन हो गया। फिर आर्थिक भी इसके कारण उद्देश्य होते हैं संघात्मक व्यवस्था के निर्माण का, और सांस्कृतिक भी होते हैं कि एक ही प्रकार की संस्कृति है, मतलब एक ही प्रकार की बोली है या एक ही प्रकार का रेस है, तो वहां भी संघात्मक व्यवस्था का निर्माण जो है होता है। अब संघात्मक व्यवस्था अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा गुण इसका ये माना जाता है, जो बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसका क्षेत्रफल भारत इतना बड़ा है, उसके लिए संघात्मक व्यवस्था अच्छा है। अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या में देश है, लेकिन वहां तो संघात्मक व्यवस्था नहीं है, तो चीन से हमारा तुलना भी नहीं है, क्योंकि चीन जो है वो हमारे जैसा लोकतांत्रिक देश है भी नहीं। तो चीन एकात्मक व्यवस्था वाला देश है और भारत संघात्मक व्यवस्था का देश है। भारत में लोकतंत्र है, भारत में यहाँ पर जो है प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता है। अब बराबर आप सुनते रहे होंगे, हमने पहले भी जिक्र किया कि जहां भी आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं वहां पर तानाशाही की भी प्रवृत्ति कई बार देखने को मिलती है, हर जगह नहीं होती लेकिन कई बार देखने को ऐसा मिलता है। तो बड़े देश के लिए यह उपयुक्त है क्या, संघात्मक व्यवस्था। फिर जहां भी संघात्मक व्यवस्था होगी वहां पर केंद्र और राज्य एक सूत्र में बांधने का यह प्रयास करती है, केंद्र सरकार सभी राज्यों को यूनिट्स को साथ लेकर के मिलजुल के करने का प्रयास करती है। उसके बाद यह राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वतंत्रता, मतलब नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और लोकल फ्रीडम, लोकल लिबर्टी जो स्टेट के उसके ऑटोनॉमी, दोनों के बीच में एक सामंजस्य सा बंधा करके यहाँ पर। इसकी कई सारे डिमेरिट्स भी हैं, ब्रीफली डिमेरिट्स को आप कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में इतना तनाव रहता है, इतना कई बार विवाद देखने को मिलता है कि आपको लगेगा कि केंद्र सरकार बहुत दुर्बल है, या जो हमारा विकास का कार्य है वो भी प्रभावित हो रहा है केंद्र और राज्य के संबंध में, राज्यों में भी केंद्र में भी, और हर जगह हमेशा ऐसा देखने को मिल सकता है, या आपका एक पर्सपेक्टिव ये भी है जो विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। फिर राष्ट्रीय एकता को खतरा, कई बार इसकी जो आलोचना की जाती है संघात्मक व्यवस्था की, वो कहता है कि केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन होता है वो निर्णय लेने की कई बार नहीं रहती, और निर्णय रहती है इसी बात पर निर्णय लेना हो तो केंद्र राज्य के बीच में तनाव रहता होने लगता है। तो दुर्बलता है, डिमेरिट्स है। प्रशासनिक एक रूपता का अभाव रहता है कि राज्य कुछ और कह रहा है, राज्य कुछ और चाह रहा है, केंद्र कुछ और चाह रहा है, और टेंशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल जिसको गवर्नमेंटल ग्रिडलॉक कहते हैं। तो राज्य और केंद्र के बीच में एक नातानी हो जाती है कि आपको लगता है सब है, हम सब है, बहुत कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। तो इसको जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में ये तनाव आपको देखने को आसानी से मिल सकता है। इस तरह से हम लोग आज जो जिक्र किए कि पॉलिटिकल साइंस में संघात्मक जो व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल साइंस में फेडरलिज्म है, वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये यूजी के बच्चे को भी, यूजी के स्टूडेंट को भी और रिसर्च स्कॉलर को भी अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपका एक बड़ा सा फील्ड है, जैसे कि लिबरलिज्म, एक लिबरलिज्म उदारवाद जिसको आप कहते हैं वो बड़ा फील्ड है, उसी तरह से संघात्मक व्यवस्था एक बड़ा फील्ड है जहाँ पर कि आपको बहुत सारा पढ़ने का स्कोप है, अलग अलग रेफरेंस किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी, आप इस पर और पढ़िए और उस पर फिर हम लोग और जिक्र कर सकते हैं।